और चलिए अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है उसकी शुरुआत कल से हो रही है। मानसून सत्र से पहले एक और विपक्ष का दावा है कि वो सदन में जनता के मुद्दे उठाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का दावा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मानसून सत्र को लेकर आज हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की अलग अलग बैठकें बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी। इस बीच सत्र को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाएगी। बीजेपी विधायक दल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 25 अगस्त से होने वाली है और सत्र से एक दिन पहले कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है अलग से रणनीति तैयार कर रहा है सरकार को घेरने के लिए, तो वहीं सत्ता पक्ष का भी कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि इस बार जो है विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होता है। हालांकि पिछले दिनों नूह में जो हिंसा यहां देखी गई थी उसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था और सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को घेरने की यहां पर लगातार देखा गया कि कोशिश की गई।